गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल प्लंबिंग द वेन्स ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। आज का हमारा जो अभ्यास है उसका नाम है पीवीसी सॉल्वेंट द्वारा पीवीसी पाइप को स्थापित करना। तो आइए हम देखते हैं कि इस अभ्यास में हम क्या सीखेंगे और किसके कैसे इसको करेंगे। तो हमारे अभ्यास का जो नाम है वह है हाउ टू इंस्टॉल पीवीसी पाइप यूजिंग पीवीसी सॉल्वेंट, मतलब पीवीसी सॉल्वेंट का यूज करके हमने कैसे पीवीसी पाइप को स्थापित करना है। तो इस अभ्यास का जो हमारा उद्देश्य है वह है हम क्या क्या सीख पाएंगे, पीवीसी पाइप की पहचान करना, पीवीसी सॉल्वेंट के बारे में जानेंगे, पीवीसी जोड़ लगाना सीखेंगे, पीवीसी सॉल्वेंट का सेटिंग और क्यूरिंग टाइम जानेंगे। तो इस अभ्यास के लिए जो हमारी आवश्यकताएं या रिक्वायरमेंट्स हैं वह हैं, अगर हम बात करें औजार और उपकरणों की तो हमें चाहिए इस्पात पैमाना यानी स्टील रूल, स्टील टेप, हेक्सा फ्रेम, ट्राइस्क्वेयर, फाइल इत्यादि। इसके अलावा अगर हमने पाइप को पाइप 22 में पकड़ना है तो हमें पाइप 22 की भी आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारे पास सामग्री। अगर सामग्री की बात करें तो हमें पीवीसी पाइप की आवश्यकता पड़ेगी, पीवीसी सॉल्वेंट चाहिए, मार्कर चाहिए, पीवीसी फिटिंग चाहिए, ब्लेड, दस्ताने, मास्क इत्यादि। तो ये सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब हम क्रिया का क्रम देखते हैं कि कैसे स्टेप बाइज हम इस अभ्यास को करेंगे। तो सबसे पहले हमारा स्टेप है आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट पीवीसी पाइप। तो जैसे यहाँ पे फोटोग्राफ में आपको दिख रहा होगा पाइप का स्टैक्स है, इसमें अलग अलग तरह की पाइपें रखी हुई हैं, उसके ऊपर टैग लगे हैं कि कौन सी पाइप कैसी है। जैसे हमारे पास यहाँ जीआई पाइप है, पीपीआर पाइप है, पीवीसी पाइप है, यूपीवीसी पाइप है और सीपीवीसी पाइप है। तो हमारा अभ्यास है पीवीसी पाइप में जोड़ लगाना, तो हम इस पीवीसी पाइप का चयन करेंगे और इसको स्टैक में से निकालेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है मार्किंग एंड मेजरिंग, मतलब हम मेजरिंग करेंगे और मार्किंग करेंगे, क्योंकि जब भी हमने कोई काम करना है, चाहे हमने अभ्यास कर रहे हैं आज या हमने एक्चुअल में फील्ड में फिटिंग करनी है, तो हमें मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है। बिना मेजरमेंट के हम नहीं पता कर पाते कि कितनी पाइप की लेंथ को हमने काटना है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप रहता है मेजरिंग का। तो आवश्यकता अनुसार पाइप की लंबाई स्टील रूल या स्टील टेप की सहायता से मापें। अगर आपकी लेंथ 1 फीट से कम होगी तब हम स्टील रूल का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर 1 फीट से ज्यादा लंबी पाइप हमने काटनी है तब हम इस तरह से, जैसे आपको ये दिख रहा होगा स्टील टेप है, ये हमारे पास मार्कर है और ये हम मेजरमेंट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे जैसे हमने मेजरमेंट की हुई है आपको दिख रहा होगा कि कैसे हम पाइप की मेजरमेंट करेंगे, और मेजरमेंट करने के बाद मार्कर की मदद से हम मार्किंग भी कर देंगे। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहता है, हमने अगर पाइप वाइज का यूज करना है तो हल्का बांधना है इसको, ज्यादा टाइट करने से ये पाइप खराब हो जाएगी, अदरवाइज हम पीवीसी पाइप को बिना बांधे भी काट सकते हैं। तो अगर पाइप 22 का हम यूज करेंगे तो इसको हम पहले 22 पे लगा देंगे, उसके बाद जहां पे हमने मार्क लगा रखा हुआ है पाइप में, जहां हमने मार्किंग की है, फॉर एग्जांपल जैसे ये हमें दिख रही है पाइप में ये जो मार्किंग हुई है, वहां हेक्सा फ्रेम की मदद से हम इस पाइप को काटेंगे, क्योंकि इस पाइप आमतौर पर हम देखते हैं पीवीसी पाइप हमारी 4-6 इंच हम यूज करते हैं रेन वाटर या फिर वेस्ट वाटर के लिए, तो हम इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं हेक्सा की मदद से काटना। तो हेक्सा फ्रेम और ब्लेड की मदद से इसको हम काटते हैं। जब भी हम पाइप को काटेंगे एक बात का हमने ध्यान रखना है कि हमारी जो पाइप है, जैसे ये हमारी पाइप है, तो ये इसका अपने जो इसकी सेंट्रल एक्सिस है इसके साथ कट जो है 90 डिग्री पे लगे। अगर ये कट हमारा इरेगुलर लगता है, जैसे तिरछा कट लगता है, तो इससे क्या होगा, ओवरलैपिंग जो इसकी लेंथ रहती है, फॉर एग्जांपल ये फिटिंग है, तो फिटिंग में जो ओवरलैपिंग आएगी इस साइड से थोड़ी कम हो जाएगी, ये जो साइड है यहां से कम हो जाएगी।
तो जितना हमारा कट 90 डिग्री पे होगा उतना हमारे लिए जोड़ के लिए बेहतर रहेगा। नेक्स्ट है, जब हमने पाइप को काट लिया, नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आता है रिमूव वायर्स। तो ये जो आपको हल्के हल्के कण इसमें दिख रहे हैं पाइप में, इनको हम वर बोलते हैं। तो अच्छे ज्वाइंट के लिए वर रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम, ये हमारे पास डीवर टूल है, डीवरिंग टूल है, इसका यूज करके हम इनसाइड वर जो है उसको निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ये वरिंग टूल नहीं है, डीवरर टूल नहीं है, तो हम राउंड जो फाइल है उसकी मदद से अंदर का वर और फ्लैट फाइल की मदद से बाहर का वर जो है पाइप का वो रिमूव कर सकते हैं। लेकिन प्रेफरेबली हमें डीवरिंग टूल का यूज करना चाहिए, जिससे हमारी डीवरिंग बहुत अच्छे से होती है और जो पाइप ज्वाइंट है वह भी अच्छे से लगता है। हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है, जैसे हमने देखा कि हमने डीवरिंग की, तो इसके जो हमारे पीवीसी के जो थोड़े डस्ट पार्टिकल रहेंगे, छोटे कण रहेंगे, जब कई बार धूल मिट्टी, कई बार अगर आपकी लैब में ये पाइप पड़ी हुई है, वर्कशॉप में पाइप पड़ी हुई है, तो इसके ऊपर ग्रीस हो सकती है, तो ऐसी चीजें इसके ऊपर हो सकती हैं। अगर हम डायरेक्ट सॉल्वेंट उसके ऊपर लगा देंगे तो हमारा जोड़ जो है वो लीकेज का कारण बन सकता है। तो इसके लिए सही प्रैक्टिस है कि हम पहले अपनी पाइप को साफ करें, क्लीन द पाइप, यहाँ पीवीसी होगा, क्लीन द पीवीसी पाइप विद ए क्लोथ एंड द रिकमेंडेड क्लीनर। तो जो पीवीसी पाइप है उसको हमने इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड से एक क्लोथ की मदद से अच्छे से साफ कर लेना है। अगर आपको लगता है कि पाइप हमारी ज्यादा उसमें कुछ ग्रीस या कुछ ऐसा सब्सटेंस लगा हुआ है जो कपड़े की मदद से साफ नहीं हो रहा है, तो हम एप्रोप्रिएट क्लीनर का यूज कर सकते हैं, जो पीवीसी के लिए हमें रिकमेंड किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहता है, अगर आपने ग्लव्स नहीं पहने हैं तो हम ग्लव्स पहनेंगे। ग्लव्स पहनने का फायदा ये है क्योंकि जो हमारा सॉल्वेंट है उसमें केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो कई बार हमारी जो स्किन है वो केमिकल्स के प्रति सेंसिटिव हो सकती है, तो उससे हमारी स्किन में एलर्जी वगैरह हो सकती है। इसलिए हम ग्लव्स पहनेंगे कि अगर गलती से सॉल्वेंट हमारे हाथ के स्किन के कॉन्टेक्ट में आ भी जाता है तो उससे हमें कोई नुकसान ना हो। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहता है उसमें हमें पहले जो स्टडी करनी है वह करनी है टाइम चार्ट की। तो जो आपके पास, जैसे ये मेरे पास पीवी सील है, पीवीसी सॉल्वेंट, ये पीडलाइट कंपनी द्वारा बनाया गया है, तो इसके ऊपर टाइम चार्ट यहाँ पे दिया गया है। जैसे इस पे लिखा हुआ है, प्रॉपरली अलाइन द फिटिंग एंड होल्ड द असेंबली फॉर अप्रोप्रिएटली 10 to 20 सेकेंड। तो इसका मतलब है जब भी हमने पाइप में सॉल्वेंट लगाना है तो उसको अलाइनमेंट उसकी ठीक करने के लिए हमारे पास 10 से 20 सेकंड का टाइम रहता है। उसमें हमने अलाइनमेंट ठीक करके सेट करके उसको 10 से 20 सेकंड तक होल्ड करना है। उसके बाद इसमें होल्डिंग स्ट्रेंथ टाइम दिया हुआ है 15 से 20 मिनट का। तो 15 से 20 मिनट के अंदर हमारी जो पाइप है वो होल्डिंग स्ट्रेंथ ले लेती है। और नेक्स्ट हमारे पास रहता है क्यूरिंग स्ट्रेंथ, तो वो है हमारे पास 2 घंटे। तो ये अलग अलग जो हमारे सॉल्वेंट हैं उनके लिए अलग अलग हो सकती है। तो ये पैक के ऊपर आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी, इसके लिए यहाँ पे लिखा होता है डायरेक्शंस फॉर यूज, कि कैसे हमने इस सॉल्वेंट को यूज करना है। यूज करने की विधि सेम है, लेकिन ये जो टाइम चार्ट है ये अलग अलग सॉल्वेंट, जो अलग अलग कंपनी सॉल्वेंट बनाती है उनका अलग अलग हो सकता है। तो मेरे पास अभी ये पीडलाइट के द्वारा बनाया गया पीवीसी है, तो इसका जो आपको मैंने टाइम चार्ट बता दिया है, 10 से 20 सेकंड जो है होल्डिंग टाइम है, और होल्डिंग स्ट्रेंथ के लिए इसको 15 मिनट 2 घंटे इसका क्यूरिंग टाइम है। तो हमने इस टाइम चार्ट को स्टडी कर लेना है ताकि सॉल्वेंट अप्लाई करने के बाद हमारा टाइम इस चीज को देखने में वेस्ट ना हो। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वह है एप्लीकेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको डायग्राम के माध्यम से दिख रहा होगा कि जो पाइप फिटिंग है, ये जो हमारे पास है ये फिटिंग है, और ये जो है पाइप है। तो फिटिंग के इनसाइड सरफेस में और पाइप के आउटसाइड सरफेस में,
जितना पाइप फिटिंग के अंदर ओवरलैप होगी उतने सरफेस में हमने सॉल्वेंट जो है वो अप्लाई करना है। सॉल्वेंट अप्लाई करते समय ध्यान रहे कि जो हमारा सॉल्वेंट हम अप्लाई करेंगे वो प्रॉपरली पूरी पाइप में और फिटिंग में लगा हुआ होना चाहिए। उसके बाद जैसे हमने सॉल्वेंट अप्लाई कर दिया, हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है पुश द पाइप एंड फिटिंग बाय रोटेटिंग 1/4 इमीडिएटली। तो जैसे ही हमने सॉल्वेंट अप्लाई कर दिया तो आपको यहाँ चित्र के माध्यम से पता चल रहा होगा, ये एरो बता रहा है कि हमने जब पाइप को फिटिंग में इंसर्ट करना है तो इसको 1/4 मतलब 1/4 घुमाते हुए हमने पुश करना है। इससे क्या होगा, हमारी अगर गलती से कहीं पाइप में सॉल्वेंट नहीं भी लगा है तो वो इवनली लग जाएगा। जैसे हमने 1/4 उसको घुमाना है तो ये इवनली सॉल्वेंट जो है पूरी पाइप में लग जाएगा, जिससे हमारा जो ज्वाइंट है वह लीक प्रूफ बन जाएगा। हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप रहता है, तो हमने पहले 15 से 20 सेकंड वेट करना है, अलाइनमेंट ठीक करनी है। उसके बाद 15 से 20 मिनट हमने होल्डिंग स्ट्रेंथ के लिए वेट करना है। जब हमारी पाइप ने होल्डिंग स्ट्रेंथ ले ली तो हम आगे की असेंबलियां इसमें कर सकते हैं, लेकिन इसको यूज करने से पहले इसको हमें क्यूरिंग टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। क्यूरिंग टाइम है इसका 2 आवर्स यानी 2 घंटे। तो जैसे हमने सारी असेंबली कर दी तो 2 घंटे तक हम वेट करेंगे इसकी क्यूरिंग के लिए, उसके बाद इस पाइप को हम यूज में ला सकते हैं। इस अभ्यास से संबंधित जो हमारी सुरक्षा सावधानियां हैं वह हैं, जैसे एंश्योर दैट पीवीसी पाइप कट एट 90 डिग्री। तो ये सबसे मेन हमारी जो सुरक्षा सावधानी है कि हमारी पीवीसी पाइप जो है उसका कट जो है प्रॉपर 90 डिग्री पे हो। इससे क्या होगा, हमारी जो पाइप फिटिंग के अंदर ओवरलैप होगी वह पूरा जो इसकी लेंथ है उसमें ओवरलैप होगी। अगर ये कट हमारा तिरछा लगता है तो हमारा एक साइड जो है ओवरलैप लैपिंग जो है वो कम हो जाएगी, जो हमारे लीकेज का कारण बन सकता है। नेक्स्ट है वियर ग्लव्स, सॉरी फॉलो टाइम चार्ट। तो जो टाइम चार्ट है उसका अनुसरण बहुत ध्यानपूर्वक करना है। अगर हम टाइम में आगे पीछे, अगर हम पूरा क्यूरिंग टाइम नहीं दे रहे उससे पहले पाइप को यूज कर रहे हैं या फिर होल्डिंग स्ट्रेंथ लेने से पहले अगली असेंबली लगाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी जो पाइप है उसका जोड़ हिल सकता है। तो हमने होल्डिंग स्ट्रेंथ 15 से 20 मिनट और क्यूरिंग टाइम 2 घंटे का वेट जरूर करना है। उसके बाद है वेयर ग्लव्स। तो ग्लव्स हम अपनी सेफ्टी के लिए पहनेंगे ताकि कोई ऐसा केमिकल हमारे सॉल्वेंट में ना हो जो हमारे स्किन के साथ रिएक्शन करे। नेक्स्ट है चेक योर सॉल्वेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग डेट बिफोर बाय एंड यूज। तो जो आपका सॉल्वेंट होता है इसके ऊपर इस जगह पे आपको इसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर और डेट दोनों लिखी हुई मिलेगी और साथ में लिखा हुआ मिलेगा कि इसकी सेल्फ लाइफ कितनी है, मतलब इसको कब तक यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ बेस्ट बिफोर 12 मंथ फ्रॉम द मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जब ये बनाया गया है उसके 12 मंथ बाद तक इसको हम यूज कर सकते हैं। तो जब भी आपने सॉल्वेंट खरीदना है, मार्केट से बाई करना है, तब इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जरूर देखें। अगर ये एक्सपायर हो गया है तो यह भी एक कारण हो सकता है हमारी पाइपलाइन में लीकेज का। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम अभ्यास के माध्यम से सीखेंगे कि पीवीसी सॉल्वेंट द्वारा पीवीसी पाइप में जोड़ कैसे लगाया जाता है और यूपीवीसी सॉल्वेंट द्वारा यूपीवीसी पाइप में जोड़ कैसे लगाया जाता है। तो इसके लिए जो हमें औजार और सामग्री की आवश्यकता रहेगी वह हमारे पास है। हमें चाहिए हेक्सा फ्रेम विद ब्लेड मार्किंग करने के लिए, मेजरिंग टेप या फिर स्टील रूल, इसका यूज करेंगे हम मेजरमेंट के लिए। उसके बाद हमें चाहिए, या तो हम डीबरिंग टूल का यूज कर सकते हैं, अगर हमारे पास डीबरिंग टूल नहीं है तो हम इस नाइफ और इस फाइल का यूज करके डीबरिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट रिक्वायरमेंट रहेगी
हमें एक पीस चाहिए पीवीसी पाइप का, जिसके ऊपर हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे कि कैसे सॉल्वेंट द्वारा जोड़ लगता है। जोड़ने के लिए हमें चाहिए एक पीवीसी फिटिंग, और साथ में हमें जरूरत पड़ेगी पीवीसी सॉल्वेंट की। ये पीवीसी पिटलाइट कंपनी द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट हमें चाहिए यूपीवीसी पाइप का एक टुकड़ा और यूपीवीसी फिटिंग। इसको जोड़ने के लिए हमें आवश्यकता रहेगी यूपीवीसी सॉल्वेंट की। तो ये भी पीवीसी यूपीवीसी है, ब्लू कलर में। ये भी पिटलाइट कंपनी द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट हमें चाहिए कॉटन पेस्ट। इसकी मदद से हम जो हमारी पाइप है इसके ऊपर लगी हुई डर्ट या ग्रीस इत्यादि को हटाते हैं। तो आइए अभी स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि कैसे पीवीसी पाइप का जोड़ जो है पीवीसी सॉल्वेंट की मदद से लगाया जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले, ये हमारे पास एक पाइप का पीस है, अगर हम चाहें तो डायरेक्ट इसको जोड़ के देख लेंगे कि पीवीसी सॉल्वेंट से जोड़ कैसे लगता है। लेकिन अगर हमें आवश्यकता इतने बड़े पाइप को जोड़ने की ना हो, कि जगह हमारा पाइप छोटा जोड़ना पड़ता है, तब हमें साथ में करना पड़ता है मेजरिंग एंड मार्किंग। तो मेजरिंग के लिए हम टूल यूज करेंगे, या तो स्टील रूल या फिर हम यूज करेंगे इस मेजरिंग टेप का। स्टील रूल की मदद से हम इस फिटिंग पे अभी मार्किंग करेंगे। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे 6 इंच की मार्किंग करके बताऊंगा। जैसे हमने ये स्केल को बिल्कुल पैरेलल रखना है फिटिंग इस पाइप के, और इस पे मार्किंग कर देनी है 6 इंच पे। हम चाहें तो जो हमारे पास ये स्टील टेप है इसकी मदद से भी मार्किंग कर सकते हैं। इसकी मदद से मार्किंग हम इस तरीके से करेंगे। इसमें भी आप देख रहे होंगे कि मैंने 6 इंच पे निशान लगा दिया है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वह रहता है पाइप को काटने का। तो पाइप को काटने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है हेक्सा फ्रेम की, और जिसमें ब्लेड लगा होना चाहिए। जैसे आपको पता है, जब भी हम हार्ड मेटल काटते हैं तो हमारे जो ब्लेड के दांत होते हैं वो आगे की तरफ रहते हैं। लेकिन जैसे जब हम सॉफ्ट मटेरियल जैसे लकड़ी, जब कोई सॉफ्ट धातु काटते हैं, तब हमारे ये दांत बैकवर्ड होते हैं। तो अभी मैंने ये बैकवर्ड ब्लेड सेट किया हुआ है, इसको मैं आपको करके बताऊंगा यहाँ पे। अगर आपने छोटा टुकड़ा काटना है, जिसको आप अगर इस तरीके से काटेंगे तो हमारा कटर टेढ़ा लग सकता है। इसको काटने के लिए हम इस टुकड़े को पाइप वाइज पे हल्का सा कस सकते हैं। अगर आपके पास पाइप वाइज नहीं है तो आप किसी दूसरे व्यक्ति का की मदद ले सकते हैं इसको पकड़ने के लिए। अभी मैं पाइप वाइज में इसको कसूंगा। इसको ज्यादा कसने की जरूरत नहीं होती, हल्का टाइट करना है, और उसके बाद हमने गाइड कट लगा देना है। इस तरह से अंगूठा रख के आप गाइड कट लगाएंगे, लेकिन ध्यान रखें कि ब्लेड आपके अंगूठे में ना लगे। तो इसके लिए आप इन ग्लव्स का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम कटिंग करेंगे। कटिंग करते समय हम ये बात का ध्यान रखेंगे कि हमारी पाइप बिल्कुल एक्सिस के 90 डिग्री पे कटे। अभी जैसे मेरे पास पाइप कट चुकी है, इसमें मैं आपको बताऊंगा जब हम हेक्सा से पाइप को काटते हैं तो इसमें ये वर्स रह जाते हैं। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है इसको हम वर कहते हैं। इनको रिमूव करने के लिए हम डीवरिंग टूल का यूज करते हैं। अगर हमारे पास डीवरिंग टूल नहीं है तो हम इस तरह के फ्लेक्सिबल नाइफ का यूज भी कर सकते हैं। नाइफ की मदद से हम जो इसके अंदर के भाग में वर्स हैं इनको रिमूव करेंगे। ऐसे इस तरह से आप देख रहे होंगे, तो वर्स हैं वो रिमूव हो रहे हैं। इस नाइफ की मदद से हम अच्छी तरह से सारे वर्स को रिमूव कर देते हैं। तो जो बाहर वाली साइड के हमारे बाहरी सतह के वर हैं, इसको रिमूव करने के लिए हम इस तरह से फाइल का यूज करते हैं। अगर आपके पास डीवरिंग टूल है तो उससे बहुत बढ़िया तरीके से ये वर जो है रिमूव हो जाते हैं। अगर इनकेस आपके पास डीवरिंग टूल नहीं है तो हम इस तरीके से फाइल का यूज करके बाहरी वर्स को रिमूव कर देंगे, और नाइफ की मदद से जो इसके आंतरिक बर है उसको रिमूव करेंगे। उसके बाद हम अपनी फिटिंग और पाइप दोनों को इस पर लगे हुए डस्ट, ग्रीस या कोई और चीज इस पर लगी है उसको हटाने के लिए अच्छी तरह से साफ करेंगे। तो आप देखेंगे पाइप जो है अंदर बाहर दोनों साइड से अच्छी तरह साफ हो चुकी है। अब हम साफ करेंगे फिटिंग को, क्योंकि जब हमने इस पर सॉल्वेंट अप्लाई करना है, अगर इस पर डस्ट होती है तो डस्ट कहीं ना कहीं उस बॉन्ड को कमजोर बना देती है। तो वो हमारा बॉन्ड कमजोर ना बने, जोड़ जो हमारा अच्छा लगे, इसके लिए हमें पाइप और फिटिंग दोनों की सफाई करना जरूरी है।
नेक्स्ट स्टेप रहता है हमारे पास इस सॉल्वेंट को अप्लाई करने का। सॉल्वेंट को अप्लाई करने से पहले हमें इसे अच्छी तरह शेक करना चाहिए। शेक करने से ये अच्छी तरह घुल जाएगा। उसके बाद हमने जो इस पर टाइम चार्ट दिया होता है, जो भी आपके पास जिस भी कंपनी का सॉल्वेंट आप यूज़ करेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन फॉर यूज़ मतलब इसको उपयोग करने के दिशा निर्देश, तो उसको हम अच्छे से स्टडी कर लेंगे। जैसे ये बोलता है कि इस सॉल्वेंट की जो 15 से 20 सेकंड की स्ट्रेंथ जो है, उसके अंदर ही हम अपनी पाइप को सही दिशा में अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद 15 से 20 मिनट इसकी होल्डिंग स्ट्रेंथ को लगते हैं और 2 घंटे इसको प्योर होने में लगते हैं। मतलब अगर हमने इसको पाइप को जोड़ दिया है तो उसको यूज़ करने से पहले हमें 2 घंटे वेट करना पड़ता है। तो आइए अब हम इसको खोलेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें एक कॉटन ब्रश ऑलरेडी लगा हुआ है, जिसकी मदद से हम पहले फिटिंग की आंतरिक सतह पे इस सॉल्वेंट को अप्लाई करेंगे। ध्यान रहे हमारा सॉल्वेंट जो है इवनली प्रॉपर सब इसमें लगना चाहिए, फिटिंग में और उसके बाद इस पाइप में भी। हमने उतनी सतह में ही सॉल्वेंट लगाना है जितनी जो हमारी पाइप इस फिटिंग के अंदर ओवरलैप करेगी। सॉल्वेंट लगाने के बाद हम इसको ऐसे सीधा रखेंगे और जोर लगाते हुए एक चौथाई घुमाते हुए हम इसको ऐसे पूरा सेट कर देंगे। एक चौथाई घुमाने का हमारा फायदा ये रहता है कि जो सॉल्वेंट है वो पूरी पाइप में अच्छी तरह लग जाता है। तो इस तरह से हमारा ये जो है पीवीसी सॉल्वेंट द्वारा जोड़ लगाया जाता है। इसी तरह हमने जितनी भी फिटिंग्स आप में जोड़नी है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको जोड़ना है या कोई और फिटिंग जोड़नी है, जब हम फर्स्ट टाइम जोड़ेंगे तब हमें ड्राई फिट चेक करने की इतनी आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन जब हमारा पाइप नेटवर्क बना होगा तब आप सॉल्वेंट लगाने से पहले एक बार फिटिंग और पाइप को ड्राई फिट चेक करें, क्योंकि एक बार आपने सॉल्वेंट लगा दिया तो दोबारा ये फिटिंग खुलेगी नहीं। तो सॉल्वेंट लगाने से पहले फिटिंग और पाइप को एक बार ड्राई फिट चेक करें, मतलब बिना सॉल्वेंट लगाए चेक कर लें। अगर वो आपकी बिल्कुल एक्यूरेट कटी है उसके बाद ही इसमें सॉल्वेंट जो है अप्लाई करें। तो मतलब इसको नेटवर्क में अप्लाई करने से पहले ड्राई फिट चेक करना आवश्यक है। तो ये तो था हमारा पीवीसी जॉइंट। अब हम साथ में ही देख लेंगे जो हमारा यूपीवीसी जॉइंट है वो कैसे लगता है। उसकी प्रोसीजर लगभग सीपीवीसी, पीवीसी इन सारे सॉल्वेंट की तरह सेम है। फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि जो सॉल्वेंट है वो चेंज हो जाएगा। जो हमारे पास सीपीवीसी सॉल्वेंट होता है उसका रंग कोड पीला होता है, जो हमारे पास यूपीवीसी सॉल्वेंट है उसका रंग कोड नीला है, मतलब बॉक्स भी नीला होगा और उसके अंदर जो सॉल्वेंट है वह भी नीला रहेगा। आप ये देख पा रहे होंगे इसका कलर भी ब्लू है। इवन हमारी जो पाइप है उसके ऊपर भी कोडिंग ब्लू कलर की है। तो इसको अप्लाई करने के लिए भी हमने पहले पाइप को अच्छी तरह साफ कर देना है, फिटिंग को अच्छी तरह साफ करना है, फिटिंग को अंदर बाहर से अच्छी तरह साफ कर देना है। जब भी आप ध्यान रहे इस सॉल्वेंट को अप्लाई करेंगे तो हमने जो फर्स्ट अप्लाई करना है वह फिटिंग पे करना है। हमने फिटिंग पे अच्छी तरह से इस सॉल्वेंट को अप्लाई कर देना है घुमाते हुए। उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे पाइप पे। तो आप ये देखें हमारा सॉल्वेंट जो है प्रॉपर पाइप पे अच्छी तरह से लगना चाहिए। जब हम इस चीज़ को लगा देंगे उसके बाद हम इसको बिल्कुल उसी प्रोसीजर से एक चौथाई घुमाते हुए पूरा पुश करेंगे और इसको हम 15 से 20 सेकंड, अगर इसकी अलाइनमेंट हमने थोड़ा चेक करना है तो 15 से 20 सेकंड का हमारे पास समय रहता है। उसके बाद इसकी होल्डिंग स्ट्रेंथ का टाइम है 15 से 20 मिनट और जो इसका क्योरिंग टाइम है वह है 2 घंटे का। तो इस तरह से हमारा पीवीसी सॉल्वेंट से जोड़ लगता है और यूपीवीसी सॉल्वेंट से जोड़ लगता है। इस जोड़ को लगाने में हमने सावधानी क्या बरतनी है। सबसे पहले सावधानी हमारी रहती है कि हमने इस सॉल्वेंट को अप्लाई करने से पहले अच्छी तरह शेक करना है। दूसरी सावधानी हमारी ये है कि हमारे हाथों में ग्लव्स होने चाहिए ताकि ये हमारी स्किन के साथ कोई रिएक्शन ना करे। तीसरी सावधानी हमारी ये है कि हमने कभी भी इसकी लिड को, इसके कैप को ओपन नहीं रखना है यूज़ करने के बाद, इसको तुरंत बंद कर दें। चौथी सावधानी हमारी ये रहेगी कि फिटिंग और पाइप पे सॉल्वेंट अप्लाई करने के बाद
इसको इमीडिएटली लगा देना है, इसके लिए हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे। और जो हमारी फिफ्थ सावधानी रहेगी वह रहेगी, जब हम इस बॉक्स को मार्केट में खरीदेंगे तब हमने इस पे जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो जरूर देखनी है, क्योंकि इनकी जो सेल्फ लाइफ होती है, जो इस पे सेल्फ लाइफ है वो दी होती है, जैसे इस पे दे रखा हुआ है बेस्ट बिफोर 36 मंथ फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग डेट, तो ये 36 मंथ तक ठीक रहता है, तो इसकी डेट देख के ही हमने इसको परचेज करना है। अगर आपका ये सॉल्वेंट एक्सपायर हो चुका होगा तब ये जो है हमारे जोड़ को अच्छे तरीके से नहीं लगा पाएगा। तो जैसे हमारे यूपीवीसी सॉल्वेंट की सेल्फ लाइफ 36 मंथ है, वैसे ही हमारा पीवीसी सॉल्वेंट है इसकी सेल्फ लाइफ थोड़ी कम है, ये 12 महीने की है। लेकिन इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा, यूज़ के तुरंत बाद हमने इस लिड को लगा देना है, और सेल्फ लाइफ हमारी तब तक काउंट होती है जब तक ये लिड खुला नहीं है। एक बार लिड खुल गया तो ये लाइफ ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।